पता, मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कब खुदा दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी और मैं उसके नखरे उठाऊंगी। अरे जरा सब्र से काम लो, अभी तो बात पक्की हुई है। हम कुछ दिन के बाद जाके शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। मुझसे और सब्र नहीं होता अकबर। नरमीन, कंदील की डिलीवरी का तो इंतजार कर लो, जहां इतने दिन सब्र कर लिया है कुछ दिन और सही। मेरा ख्याल है कि भाभी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कंदील का इंतजार कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है अकबर, लेकिन मुझे लोगों की ना बुरी नजर से बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो कि हसद में आके फिर से ये रिश्ता खराब कर दे, और अब मैं खुदा को खोना नहीं चाहती। अल्लाह बस मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाए, हसद से बचाए। कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन, कौन हसद करेगा तुम्हारे बच्चों की खुशियों से? वो भाभी बेगम, आपको नहीं पता लोग हसद और जलन में ना अपने मकाम से भी नीचे गिर जाते हैं। क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही हो, साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अरे नहीं भाभी बेगम, नरमीन का ये मतलब नहीं था, ये तो जनरल बात कर रही थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि नरमीन का क्या मतलब था अकबर हुसैन, रहने दीजिए आप। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बात करने की, खत्म भी करो अब इन बातों। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अकबर? और भाभी बेगम को देखे, ऐसे मुंह बना के चले गए, इतना भी नहीं हुआ कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। अच्छा ना, चलो अब चुप करो, छोड़ो, जाने दो। बस मैं ही बुरी बनती हूँ। कहा ना, खत्म करो अब इस बात को। बिया, अम्मी, लिया, सुन लीजिए। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता ना मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, आपने क्यों मुझे अकेला छोड़ा? मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वो आ गया है, वो तुम्हें बचा लेगा, वो ख्याल रखेगा तुम्हारा। तुम्हें जाना होगा, देर मत करना बिया। मैं आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बेटियों के मुकद्दर में माओ से जुदाई हो, तुम्हारी और मेरी राह यहाँ से अलग है। चली जाओ, तुम्हें जाना होगा, वो तुम्हें बचा सकता है। अल्लाह के वास्ते चली जाओ, मेरे वास्ते चली जाओ बिया, बिया चली जाओ, जाओ बिया। हेलो बिया, इस वक्त सब ठीक है? आप ठीक है? मैंने मैंने बहुत मतलब ठीक है, वो लोग अम्मी और मुझे मारने आए थे, और पता नहीं ख्वाब कुछ नहीं होता भैया, सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। जब वली ने तुम्हारा बेड़ा उठाया तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उठो, पानी पियो, रिलैक्स, सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। बस ये सोचो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द दूंगी, सो जाओ जी।